हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप। हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी वर्ड की क्लासेस चल रही हैं, तो चलिए हम वर्ड पर चलते हैं। हम हमारा लास्ट वीडियोस में होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं, इंसर्ट के स्टार्टिंग के ऑप्शंस, पेजेस, टेबल ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं, पिक्चर क्लिप आउट हो चुका है। आप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम करेंगे शेप्स। अगर कभी भी आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट में जाके शेप्स पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, लाइंस हैं। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे ही आप शेप इंसर्ट करोगे, ऊपर एक न्यू रिबन खुल जाएगा, फॉर्मेट टैब। तो अब हम आज ये फॉर्मेट टैब कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या है, इंसर्ट शेप। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एरो इंसर्ट कर लिया। उसके बाद ये ऑप्शन है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से ये ड्रॉ कर लिया हमने। इसकी नीड नहीं है हमें, हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम शेप पर आते हैं, फॉर्मेट। ये एक ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट बॉक्स। जैसे ही हम जिस शेप पर हमने क्लिक किया होगा, हम जब इस एडिट टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी शेप में ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और हम उसके अंदर लिख सकेंगे। ये देखिए, अब हमारा कर्सर आ गया, अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे इसे एक छोटे से ब्लॉक के। यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या करनी है। ये देखिए, जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, टेक्स्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज हो रहा है। उसके बाद है क्रिएट लिंक। मान लीजिए आपको एक शेप से दूसरी शेप में आपका डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएट लिंक कर सकते हैं आप। कि जब आपका एक शेप फिल हो जाए कंप्लीट और आगे जगह ना हो टेक्स्ट के लिए, तो वो नेक्स्ट शेप में ऑटोमेटिकली चला जाए। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट लिंक। मैंने यहाँ पर क्लिक था मेरा और मैंने क्रिएट लिंक किया। उसके बाद मेरा कर्सर कप के मार्क में चेंज हो जाएगा, तो मैं इसे दूसरी शेप पर छोड़ दूंगी। हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने उस बॉक्स में लिखा था सर्कल में, और ये एरो में अपने आप आ गया। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने किया क्रिएट लिंक, यहाँ छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कुछ भी, तो ये अपने आप एरो में चला जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं सर्कल में टाइप कर रही थी और वो एरो में आ गया। तो इस टाइप से आप दो शेप्स को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो नेक्स्ट में चला जाएगा। आगे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बुक स्टाइल। नाम से आप समझ गए होंगे, स्टाइलिंग करेगा ये टेक्स्ट बुक्स की। ये देखिए, ये नीचे एक लिस्ट है, आप इस लिस्ट में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से। उसके बाद है शेप फिल। आप यहाँ से शेप को फिल कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन फिल हो जाएगी, जो साइड में बॉर्डर होता है वो फिल हो जाएगा। यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। जो शेप आपने ली हुई है, अगर उसी को आपने किसी और शेप में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद शेडो लग जाएगी शेप पे। देखिए, आप शेप के बैक पर शेडो आ गई है, परछाई। ये देखिए, नीचे आ गई है, ये पीछे आ गई है। जिस भी टाइप से आपको लेनी है आप शेडो ले सकते हैं। इस शेडो को आप घुमा भी सकते हैं, आपको ये कितनी दूर चाहिए, कितनी पास चाहिए। देखिए, ऊपर क्लिक करेंगे तो दूर जा रही है, इधर करेंगे तो लेफ्ट पे जा रही है, राइट पे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस टाइप से आप शेप शेडो को घुमा भी सकते हैं। यहाँ से 3D इफेक्ट में आ जाएगा। ये देखिए शेप कैसी बन गई। ऐसे कभी आपको 3D में लेनी हो तो आप इस टाइप से यहाँ से ले सकते हैं। ये इसका भी आप एंगल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर नीचे करके इस टाइप से। पोजीशन, आपको शेप को पेज में कहाँ रखना है पोजीशन दे सकते हैं आप। ये कुछ ऑप्शंस हर एक टूल में होते हैं, वो पिक्चर हो, क्लिप आर्ट हो, सब में सेम होते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, बस जल्दी आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, हमारे पास इस टाइम दो शेप्स हैं। हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने ऊपर एरो सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे बोलती हूँ सेंड टू बैक। तो ये देखिए, जो ट्रायंगल था वो ऊपर आ गया। मैं बोलती हूँ सेंड टू फ्रंट, तो वो ऊपर आ जाएगा। इस टाइप से ये कमांड्स हैं।
अब है ऑप्शन, मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेती हूँ, ये देखिए। उसके बाद मैंने शेप पर क्लिक किया और फॉर्मेट पर आई मैं, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट रैपिंग कर सकती हूँ। बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखिए टेक्स्ट के पीछे चली गई, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर लीजिएगा, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। अलाइन आपको पेज में कहाँ रखना है, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, मिडल में, बीच में चली गई, ये देखिए। इस टाइप से आप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं आप शेप को। ये देखिए मैं जिस पर भी क्लिक कर रही हूँ रोटेट हो रही है। हाइट विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा शेप का फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, मैं शेप डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। आपने देखा होगा हम कुछ ऐसे, हमारी साइंस की बुक में भी होता था, एक सर्कुलर में दिखाती हूँ मैं आपको, एक साइकिल होता था इस टाइप से बुक में बना होता था। यहाँ पर जैसे लिखा होता था कुछ भी ग्रास, नेक्स्ट में जो भी वो खाता है, ग्रास को कौन खाता है, कोई भी इंसेक्ट लगा लो, उसके बाद फिर कोई भी एनिमल, इस टाइप से वो बना होता था एक साइकिल। तो ये जो काम होता है ये होता है स्मार्ट आर्ट में। तो हमें इस टाइप का कुछ काम करना है तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे लेना है ये, इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कीजिए। और मान लीजिए मैंने ये लिया, तो ये आपके पास इंसर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं, उस पिक्चर का नीचे नाम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हैं। जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करेंगे, उसके बाद दो ऑप्शन खुल जाएंगे, दो और टूल्स खुल जाएंगे, डिज़ाइन और फॉर्मेट का। तो पहले हम डिज़ाइन करते हैं ऐड शेप, जो अभी आप देख सकते हैं इसमें चार ही शेप हैं, मतलब चार फोटोज़ लगा सकते हैं हम, चार बार चार नाम लिख सकते हैं। बट अगर हमें ज़्यादा लेना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा कर्सर है उसके बाद एक और आ गई है, पाँच हो गई। मान लीजिए पहले लेनी है मुझे, तो एक और आ गई, छः हो गई। इस टाइप से ऐड बुलेट, जब हम लिखते हैं तो बुलेट ऐड करनी हो, अगर ये देखिए अब डॉट लगी आ रही है तो ये बुलेट होती है। इस टाइप से राइट टू लेफ्ट, जो हमने लिख, जो हमारा राइट वाला है वो लेफ्ट पे चला जाएगा। मान लीजिए मैंने राइट पे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने इस वाले में लिखा हुआ है कुछ, मैं चाहती हूँ ये लेफ्ट पे चला जाए, तो मैंने बोला राइट टू लेफ्ट, तो ये देखिए वो लेफ्ट पे चला गया। प्रमोट हम और बढ़ा सकते हैं शेप्स, डिमोट हम कम कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन देखना हो हमें तो यहाँ और ईजी होता है लिखना, ये देखिए जिसमें मैं लिखूँगी उसमें लिखा जाएगा। तो इस टाइप से हम टेक्स्ट पेन देख सकते हैं, यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो गया क्रिएट ग्राफिक, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद यहाँ से हम कुछ इनके लेआउट्स चेंज कर सकते हैं, ये देखिए काफ़ी सारे दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो इस टाइप से हम इनके लेआउट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे कलर दे सकते हैं, वहाँ पर सिर्फ ब्लू कलर में आ रहा था, यहाँ से हम इसे कलर कर सकते हैं, मल्टी कलर दे सकते हैं। ये देखिए ये भी कुछ लेआउट्स हैं, इनकी शेप्स हैं, डिज़ाइंस हैं, स्टाइल्स हैं। तो हम ये ऐसा कुछ 3D टाइप दे सकते हैं, ये देखिए। तो रीसेट ग्राफिक करेंगे हम तो जैसा पहले था बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, सारी स्टाइलिंग हट जाएगी, कलरिंग हट जाएगी। ये कंप्लीट, ये समझ आ गया होगा आपको। अगर कुछ भी फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी हुई तो मैं उसके लिए एक और वीडियो भी बना दूँगी। सो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में क्या है, हमने एक कोई भी शेप सिलेक्ट कर ली है, देखिए उसके बाद वो बोल रहा है चेंज शेप। मान लीजिए मुझे इसकी शेप चेंज करनी है, तो ये देखिए पर्टिकुलर सेल की शेप चेंज हो गई। आप सारी सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इसे मुझे लार्जर करना है, मैंने यहाँ पर टाइटल लिखना है, या कुछ भी स्मॉल करना है तो ये स्मॉल हो जाएगी। इस टाइप से इसे कलर करना है, ये देखिए यहाँ से हम इसे कलर कर सकते हैं। फॉर्मेट ये देखिए ऊपर का, अगर हमें कुछ डिज़ाइनिंग वाला देना है, यहाँ से हम शेप फिल कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पहले किया था शेप्स में। ये देखिए यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं हम इसे, जो बाहर की आउटलाइन है वो कलर होएगी। और यहाँ से इफ़ेक्ट, ये हम पहले कर चुके हैं, ग्लो आ जाता है, ये देखिए इस टाइप से, और शेडो लग जाती है इस टाइप से। तो ये सब आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला जो वर्ड आर्ट स्टाइल है ये टेक्स्ट पर चलेगा, तो पहले हम इसमें टेक्स्ट लिखते हैं। ये मैंने इसमें कुछ लिखा, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ से 16। तो अब हम चलते हैं फॉन्ट पे, ये देखिए अभी ऑप्शंस हाईलाइट हो गए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए जैसे मैं चूज़ करूँगी वैसा ही हमारा टेक्स्ट हो जाएगा।
ये इस टाइप से, अब देखिए पर्पल दिख रहा है। मैं इसका फोन थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ये ओवर हो गया है, ये ठीक है। तो अब हम आते हैं फॉर्मेट पर, यहाँ से हम टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। जैसे पहले हम शेप फिल कर रहे थे, अब टेक्स्ट फिल हो रहा है देखिए। और ये जो है ये टेक्स्ट को आउटलाइन देगा, जो बाहर टेक्स्ट की एक लाइन होती है, देखिए अब अंदर ब्लू है लेकिन आउटलाइन येलो हो गई है। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को सेम ग्लो और शेडो रिफ्लेक्शन वो सब दे सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट की ग्लो लग गई। तो पोजीशन कहाँ रखना है आपको इसे, ये देखिए नीचे चला गया, लेफ्ट पे आ गया, राइट पे आ गया। इस टाइप से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस फ्रेंड्स वही हैं, आप इन्हें दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। जो अभी मैंने आपको शेप में बताया है वैसे ही होगा ये। ये अभी मैंने एक स्मार्ट आर्ट लिया हुआ, मैं अगर एक और स्मार्ट आर्ट लेती हूँ, देखिए मैं आपको ये ऑप्शंस एक बार बता देती हूँ दोबारा। ये मैंने इस स्मार्ट आर्ट को छोटा कर लिया, अब मैंने बाहर आके एक और स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ। मैंने ये चूज़ किया और मैंने ये क्लिक किया, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ अगेन। ये मैंने इसे छोटा किया, अब ये मेरे पास दो स्मार्ट आर्ट हो गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एक को दूसरे के ऊपर रख देती हूँ। ये देखिए अब हम देखते हैं, ये सेंड टू बैक फ्रंट, ये देखिए एरो वाली ऊपर आ गई, ये देखिए। और फ्रंट कर बैक करेंगे तो एरो वाली पीछे चली गई, बॉक्सेस वाली दिख रही है। मैंने फ्रंट किया तो अब एरो दिख रहे हैं ऊपर। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं हम सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में, जहाँ भी करना है। ये सारे वही हैं ऑप्शन, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ से साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस टाइप से है, ये हमारा स्मार्ट आर्ट कंप्लीट हो गया है गाइस। आप इसके दोनों ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, डिज़ाइन भी और फॉर्मेट भी, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। उसके बाद इंसर्ट में हमारे पास है चार्ट। चार्ट वैसे हम नॉर्मली वर्ड में, एक्सेल में ये काम करते हैं हम चार्ट का, वर्ड में बहुत कम करते हैं। बट अगर कभी आपको वर्ड में ज़रूरत पड़ जाती है तो हम कैसे करेंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये बहुत सारे लेआउट्स दिए होते हैं, देखिए कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाए चार्ट, बार चार्ट, सरफेस, स्टोक, डोनट, बबल, जितने भी चार्ट्स के लेआउट्स होते हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं। हम मान लीजिए मैंने ये कॉलम चार्ट ले लिया। तो जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करेंगे आपकी कोई भी रैंडम एक्सेल की फाइल भी ओपन हो जाएगी, क्योंकि चार्ट एक्सेल की फाइल पर ही रन होता है। तो मैं इस एक्सेल की फाइल को मिनिमाइज़ कर देती हूँ और इसे मैक्सिमाइज़ कर लेती हूँ। अब ये देखिए इसके तीन ऑप्शंस खुल गए हैं ऊपर, तीन टूल्स, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। आज हम डिज़ाइन पर वर्क करते हैं। चेंज चार्ट टाइप तो ऑब्वियस है, हमने जो चार्ट टाइप लिया हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे लाइन चार्ट लेना है तो लाइन में कन्वर्ट हो गया। सेव एज टेम्पलेट, हम इसे एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं कहीं पर भी, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, तो ये सेव हो जाएगा, बट हमें सेव नहीं करना। स्विच रो कॉलम, मतलब रो कॉलम्स की जगह पर आ जाएगी, कॉलम रो की जगह पे। ये देखिए कैटेगरी ऊपर आ गई, सीरीज नीचे आ गई। अब मैंने दोबारा क्लिक किया तो कैटेगरी नीचे आ गई, सीरीज ऊपर आ गई, इस टाइप से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा, हम डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं जो एक्सेल की शीट में है वो। देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्ट डाटा पर क्लिक किया हमारे पास एक्सेल की शीट खुल गई और हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। तो इस टाइप से हम डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है एडिट डाटा, जैसे ही हम एडिट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हम डाटा एडिट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने एडिट डाटा पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर जो भी डाटा एडिट करेंगे वो चार्ट में भी होगा, आप देखना। ये गाइस कुछ प्रॉब्लम आ रही है पीसी में, मैं यहाँ पर दूसरा चार्ट ले लेती हूँ दोबारा। ये कुछ नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है कभी कभी, तो हम यहाँ से दोबारा से चार्ट ले लेते हैं। और ये देखिए अब हम यहाँ पर करते हैं एडिट डाटा, तो हम यहाँ पर अपना डाटा एडिट कर सकते हैं। देखिए मैंने फाइव किया तो यहाँ पर ये देखा अपने कैटेगरी टू का ब्लू वाला बड़ा हो गया। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ मैं कौन सा चेंज करूँगा। मैं कैटेगरी वन चेंज कर रही हूँ, कैटेगरी वन में सीरीज़ वन। तो आप सीरीज़ कैटेगरी वन पर ध्यान दीजिएगा, उसके तीनों बार्स पर। मैंने यहाँ लिखा
टू, तो वो छोटा हो गया ब्लू वाला, देखिए। तो इसी टाइप से अब मैंने कैटेगरी वन में ही मैं सीरीज टू चेंज करती हूँ, तो आप देखिएगा ये जो मेहरून सा कलर है ये बड़ा हो जाएगा, तो ये देखिए बड़ा हो गया। तो इस टाइप से हम एडिट कर सकते हैं डाटा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये कुछ लेआउट्स हैं चार्ट के, मतलब इसी सेम चार्ट में हम इसके लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए डाटा आ गया नीचे, एक्सेल वाला भी आ गया, उसके बाद यहाँ पर सीरीज लिखी आ गई। इस टाइप से आप ये सारे लेआउट्स ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ से हम इसे कलर दे सकते हैं, ये देखिए। तो आज के लिए गाइज इतना ही, आप ये प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बिना आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आज मैंने आपको शेप्स कंप्लीट करवा दिया, स्मार्ट आर्ट कंप्लीट करवा दिया, और चार्ट का हमने एक डिज़ाइन लेआउट कंप्लीट कर लिया है। कल हम लेआउट और फॉर्मेट करेंगे। तो गाइज प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाकी कल, बाय बाय।